please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. एम्बी वैली को जानने से पहले आपको सुब्रत रॉय सहारा को जानना बहुत जरूरी है। एम्बी वैली जैसा सपना देखने वाला इंसान कोई आम आदमी तो नहीं हो सकता। सुब्रत रॉय सहारा यानी कि सहारा ग्रुप के संस्थापक, जिन्होंने 1978 में सहारा ग्रुप की स्थापना गोरखपुर में करी थी। सुब्रत 1990 के दशक में लखनऊ गए थे और वहीं पर सहारा परिवार का मुख्यालय बनाया था। यहाँ पर सहारा सिटी का निर्माण हुआ, जो कि लगभग 170 एकड़ में है। इसके बाद सुब्रत रॉय सहारा का अगला सपना था एम्बी वैली। सन 2000 में पुणे के पास एम्बी वैली की नींव डाली गई। यहाँ से कहानी शुरू होती है एम्बी वैली की। एम्बी वैली यानी 10,600 एकड़ और 23 किलोमीटर में फैला हुआ सुब्रत रॉय सहारा का सपनों का शहर, जो पूरे देश के अमीरों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया था। 11 झीलें, 1300 यार्ड का अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स, पुणे से 120 किलोमीटर दूर सुब्रत ने अपने सपनों का शहर बसाया था। एम्बी वैली को इस तरह से बनाया गया था मानो भारत में कोई दूसरा देश ही बसा दिया हो। वैली में सबसे बड़ी झील 1.5 किलोमीटर की थी। इस झील के किनारे पर एक रिजॉर्ट और एक वेडिंग सेंटर भी था। एम्बी वैली भारत का पहला हिल टाउन था। इस शहर की प्लानिंग ने पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। एम्बी वैली में सरकार से मान्यता प्राप्त प्राइवेट एयरपोर्ट भी था। इसके अंदर 60 करोड़ रुपए केवल एक म्यूजिकल फवारे पर खर्च किए गए थे। सुब्रत रॉय सहारा ने इसे सपनों का शहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एम्बी वैली में घर की कीमत 8 करोड़ से 20 करोड़ तक की थी। इसमें इंटरनेशनल स्कूल एम्बी ISA स्कूल एंड हॉस्टल था, जिसमें विश्व प्रसिद्ध पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने वाली बोर्डिंग सुविधाओं के साथ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल बोर्ड था। हर छोटी से बड़ी जरूरत का इतने तरीके से ध्यान रखा गया था मानो कोई शहर नहीं अपने लिए घर बना रहा हो। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशी सैनानी, खिलाड़ी सब इसे देखने आते थे। फिल्मी सितारों जैसी जिंदगी और चकाचौंध से भरा पूर्ण जीवन का सपना दिखाती थी एम्बी वैली। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी एना कोर्निकोवा एम्बी वैली की ब्रांड एम्बेसडर थी। एक रिपोर्ट के अनुसार सुब्रत रॉय सहारा ने एम्बी वैली में 1,00,000 करोड़ खर्च करे थे। लेकिन ये बात थी तब की, जब सुब्रत रॉय सहारा के सितारे बुलंदियों पर थे। लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। सुब्रत का वक्त भी बदला और उसके साथ बदली एम्बी वैली की दिशा। 2006 में पहली बार एम्बी वैली सुर्खियों में आई। तब सारे न्यूज चैनल एम्बी वैली के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि एम्बी वैली ने 4.82 करोड़ का एग्रीकल्चर टैक्स नहीं भरा था। सहारा को एम्बी वैली के घरों के दाम भी घटाने पड़े। 8 से 20 करोड़ के दाम 1 से 10 करोड़ पर कर दिए गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ रहने आ सके। लेकिन इसकी मुश्किलें सही मायने में तब बढ़ी जब सुब्रत रॉय को जेल जाना पड़ा। 31 अगस्त 2014 ये वो दिन था जिसने सहारा ग्रुप को बदल कर रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय सहारा तथा कंपनी के दो और निर्देशकों को दोषी मानते हुए निवेशकों को 24,000 करोड़ का भुगतान करने का ऑर्डर दिया। फरवरी 2014 सुब्रत रॉय गिरफ्तार हुए, क्योंकि वे कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। तब से एम्बी वैली में सब कुछ बदल गया। लोग रहने नहीं आए, घर बिकने बंद हो गए। धीरे धीरे हालात इतने खराब होते रहे कि कोर्ट ने 14,000 करोड़ की भरपाई के लिए इसकी नीलामी का आदेश दे दिया। जो एम्बी वैली कभी सपनों का शहर हुआ करती थी, आज वीरान और सुनसान है। और जो लोग वहां रहते हैं, वे भी वहां से जाना चाहते हैं। जब तक इसकी नीलामी नहीं हो जाती,
तब तक सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को एमबी वैली का रख रखाव करने का आदेश दिया है। आगे देखते हैं एमबी वैली की क्या दशा होगी, क्या ये सपनों का शहर ऐसे ही वीरान हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।